गुड मॉर्निंग एवरीवन, कैसे हैं आप सभी? आशा करता हूँ आप बहुत अच्छे होंगे। RWS डेली क्लासेस में आपका स्वागत है। तो आशा करता हूँ आपको ये वीडियो बहुत ज़्यादा पसंद आ रही होंगी और टॉप 10 क्वेश्चन आपके लिए जो लगाए जा रहे हैं यूपी पुलिस एंड दिल्ली पुलिस एंड ऑल एग्जाम SSC के ऑल एग्जाम के लिए भी आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं लेकर आता हूँ। तो प्लीज़ वीडियो को पूरा देखिएगा। चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। देखिए, हमारा आज का पहला क्वेश्चन है, पोलियो टीके का आविष्कार किसने किया था? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में पूछा गया बच्चों। तो पोलियो टीके का आविष्कार जॉनक साल्क, ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पे सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं बच्चों। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मानव शरीर में ऑक्सीजन की प्रतिशत मात्रा कितनी होती है? मानव शरीर में जो ऑक्सीजन की मात्रा होती है वो कितनी होती है? तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी आपका यहाँ पे सही हो जाएगा, 65%, यानी 65% जो है आपके मानव शरीर में ऑक्सीजन की प्रतिशत होती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलता हूँ बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाइट पर्वत, व्हाइट हाउस समझ सकते हो आप, या व्हाइट पर्वत समझ सकते हो। व्हाइट पर्वत किस देश में स्थित है? व्हाइट हाउस समझ लोगे तो आप डायरेक्टली सवाल को समझ पाओगे। तो ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ पे सही हो जाएगा, व्हाइट हाउस या व्हाइट पर्वत जो है USA में स्थित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं बच्चों। देखिए अगला क्वेश्चन है, धुआंधार जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? देखिए धुआंधार जलप्रपात कई बार एग्जाम में पूछा गया है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे, नर्मदा। तो नर्मदा नदी आपका हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय मौसम विज्ञान विभाग की स्थापना किस वर्ष की गई थी? देखिए भारतीय मौसम विभाग की स्थापना जो की गई थी वो की गई थी 1875 में। ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पे सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिल्ली सल्तनत की स्थापना किसके द्वारा की गई? देखिए दिल्ली सल्तनत जो बनी थी तो आपको पता होगा, कुतुबुद्दीन ऐबक, ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। तो दिल्ली सल्तनत की स्थापना जो की थी वो कुतुबुद्दीन ऐबक ने की थी। चलिए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले प्रथम भारतीय कौन थे? देखिए नोबेल पुरस्कार आपने देखा होगा, नोबेल पुरस्कार की स्थापना 1901 में हुई थी। तो नोबेल पुरस्कार के बारे में सवाल बन जाता है, अल्फ्रेड नोबेल थे जिनकी स्मृति में ये नोबेल पुरस्कार दिया जाता है। तो इसमें पूछा गया है कि नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले प्रथम भारतीय, तो भारतीय थे रविंद्रनाथ टैगोर, ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। आपको पता होगा गीतांजलि पुस्तक के लिए 1913 ईस्वी में इनको दिया गया था। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। अमृता सेन को भी मिला था 1998 में मिला था ये मदर टेरेसा को भी मिला था और डॉक्टर सीवी रमन को भी इसमें मिला था, सारे ही जो है नोबेल पुरस्कार विजेता हैं ये। तो गाइज यदि आपको वीडियो पसंद आ रही हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा ताकि आने वाली वीडियो आप तक पहुँच जाए। और ऐसे ही बच्चों के साथ भी इसको शेयर जरूर किया करो, जो बच्चे वंचित जाते हैं उनके साथ भी इसको शेयर जरूर किया करो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिक्किम राज्य को पूर्ण राज्य का दर्जा कितने कौन से संविधान में दिया गया था, या कौन से संविधान में मिलता है? तो आपको पता होगा 36वां संविधान संशोधन के तहत सिक्किम को पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया था। तो आपको यहाँ पे ये याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं बच्चों। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, रावत भाटा परमाणु जो संयंत्र है, ये बिजली संयंत्र जो है रावत भाटा किस राज्य में स्थित है? तो आपका ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे सही हो जाएगा, ये राजस्थान में स्थित है। रावत भाटा जो है राजस्थान में, आप डायरेक्टली इसके नाम से भी जान सकते हो यहाँ पे, अगर शॉर्ट ट्रिक में जाना है तो रावत और राजस्थान एक ही है, तो रावत राजस्थान में स्थित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं बच्चों। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कोलकाता स्टॉक एक्सचेंज की स्थापना किस वर्ष की गई थी? देखिए कोलकाता स्टॉक एक्सचेंज की स्थापना वर्ष 1907 में की गई थी। ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पे सही हो जाता है। तो गाइज ये थे हमारे टॉप 10 आज के क्वेश्चन जो मोस्ट इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। आप कोई भी एग्जाम दे रहे हो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल वीडियो रहने वाली है। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। धन्यवाद।